It's feel yummy and tasty. Can I take it, please? Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूँ आपके होस्ट नुमान खान। तो आज हाज़िर हुए हैं एक और व्लॉग में। तो हम आज जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, नाश्ता। तो साथ में हम व्लॉग भी बना लेते हैं, व्लॉग भी हो जाएगा और हम नाश्ता भी बना लेंगे। तो हमने शुरू किया, पहले जो बर्तन गंदे थे वो बर्तन धोए, उसके बाद आटा निकाला, आटे फ्रिज से भी निकाला और दूसरा भी निकाला, दोनों मिक्स करके हम पराठा बनाएंगे। ये साथ में दूध निकाला, फिर मामा शुरू होगी पराठा बनाने में। उसके बाद हमने बेलन के साथ इसको गूंदना शुरू किया, पराठे को ना गोल करना शुरू किया, बिल्कुल गोल करेंगे A1 ज़रा से भी ये वो नहीं करते ना, बिल्कुल सर की तरह बनाएंगे। चाय में पत्ती डाली, चाय भी बनने लगी थी, हमने इस पर ऑयल डाला रोटी पे, इस ये सही तरह से साथ चिपकेगा। फिर इसको हम गूंदेंगे, इसको सीधा करेंगे बिल्कुल खोल A1। तो ऐसी कोशिश जारी थी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक की, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लग रही है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करो यारा। चलें जी, पराठा जो है गरम गरम तवे पे उसने अपनी लाइनिंग कर ली है और मामा उसको ठीक कर रही हैं कि बिल्कुल गोल बने, परफेक्ट बने। तो इस तरह ही गोल बनेगा, परफेक्ट बनेगा। अच्छा अभी ये बन चुकी है, उसमें भी ये हम अभी जल्दी दूध डालेंगे। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना लजीज डिलीशियस, मुझे लगा मेरा दिल कह रहा से कच्चा ही खा जाऊँ। तो लेकिन नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और 5-10 मिनट के बाद हम इसे खा लेंगे। मैंने इस पर ऑयल डाला, बड़ा मज़ा आएगा। आई एम वेटिंग टू ईट माई ब्रेकफास्ट। हाँ तो भाई लोग, एक तरफ से तो बिल्कुल ये A1 हो चुके, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रहती है पराठी की, तो वो हो जाए। हम देखो कितना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है ना, मेरा दिल कह रहा है इसको कच्चा खा जाऊँ। तो हम हमारी आदत है कि हम नाश्ते में साथ में सालन खाते हैं रात को, जो पिया ना। तो सालन भी था तो सालन लाया, चाय में दूध डल चुका था मेरे आते आते, तो फिर वो डल गया। हमने चलो जी, पराठा बन के उतर चुके हैं, पराठे को खाने का वक्त हो जाता है और चाय भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बस इसे उतारना रहता है। कप में डालेंगे इसको, एक दो उबारियाँ दे देते हैं फिर उतार लेंगे। मुझे बाद में याद आया कि अंडा और डबल रोटी नहीं है ना, तो वो लाने के लिए मैं पहुंचाया शॉप पे, साथ पास ही शॉप है। तो
मैंने कहा जाके बाकी ये चीज़ें मैं ले आता हूँ, तो ले आया। सालन भी गर्म हो चुका था और उसके बाद हमने अंडे को तोड़ा अपने हाथों से। ये जुल्म अंडे पे मैंने अपने हाथों से खुद किया। अंडे को मैंने कहा चलो खुद ऑमलेट बनाता हूँ इसका। तो अंडे को उतारा, तवे में डाल दिया, उस पर थोड़ा सा हमने ऑयल डाला, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला, ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डाले क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसी तरह हमने अपने ऑमलेट को फ्राई कर लिया। इसको तकरीबन एक दो मिनट तक किसी तरह छोड़ा, ऐसे मैंने उल्टा भी नहीं ना, तो ऐसे ही मैं उठा के ले आया। वो कहते हैं नीम की मात्रा था। इसी तरह मैंने इसे चमचे के साथ पकड़ा और उठा के प्लेट में डाला। और जी हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, अभी इसे बस खाने की बारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा था, मैंने इसे खा के सारा ख़त्म कर दिया। बाय बाय।